सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्निकल एसके को, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। हेलो दोस्तों, टेक्निकल एसके चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपने यूट्यूब चैनल की डीपी कैसे बनाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल टेक्निकल एसके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल टेक्निकल एसके को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो को भी देख पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना पिक्सार्ट ओपन कर लेंगे और यहाँ प्लस वाले निशान पे ओके करेंगे और यहाँ से कलर बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ से व्हाइट में बैकग्राउंड ले लेंगे। बैकग्राउंड व्हाइट वाला लेने के बाद में क्या करना है, हमें ड्रा में जाना है और यहाँ से इस थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव इमेज कर देना है। उसके बाद क्या करना है, हमें बैक चले जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट में जाना है। जैसे मेरा चैनल टेक्निकल एसके है तो मैं टेक्निकल एसके वीडियो चैनल के नाम से बना देता हूँ। तो मैं टेक्निकल एसके की मैं एस लेता हूँ पहले, उसके बाद इसको कर देता हूँ ओके और फिर यहाँ से कलर सिलेक्ट कर देता हूँ। तो कलर में रेड ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से फॉन्ट सिलेक्ट कर लूँगा, जो फॉन्ट मुझे अच्छा लगे तो मैं ये फॉन्ट ले लेता हूँ। कलर थोड़ा सा अच्छा, ये ठीक है। उसके बाद फिर से प्लस के निशान पे ओके करना है इसको सेट करने के लिए। उसके बाद यहाँ से मैं एस ले सॉरी टी एस, मुझे एस के लिखना था, टी की जगह मुझे एस करना होगा एस। तो आप जो आपके चैनल का नाम है आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको सेट कर लिया मैंने और फिर के ले लूंगा, इसकी देखिए मैंने के भी ले लिया है। उसके बाद यहाँ से भी हम कलर सिलेक्ट कर लेंगे, फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद कलर भी सिलेक्ट कर लेंगे अपना। तो मैं इसमें पर्पल ले लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, स्टेप से हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए अभी काफी अच्छा लग रहा है मुझे। तो अब इसको क्या करना है, देखिए काफी अच्छे से सेट हो चुका है मेरा नीचे से। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे अपने पूरे चैनल का नाम लिख देंगे टेक्निकल एसके। उसके बाद यहाँ से इसमें भी कलर सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैं इसमें ब्लू ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक पे ओके करके यहाँ से थोड़ा साइड में ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ब्लैक या जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसको ले ले। उसके बाद यहाँ से आप फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी पसंद के। तो जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो आप सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो बस ये ही फॉन्ट ले लेता हूँ। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद अगर हमें बीच में व्हाइट लाइन लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस के निशान पे ओके करना है, एड इमेज पे कर देना है और यहाँ से जो हमने व्हाइट वाला इमेज सेव किया था उसको ओके कर देंगे और उसको यहाँ से ले लेंगे। ये नहीं है वो व्हाइट वाली जो इमेज ली थी हमने, जैसे ये है उसको ले लेंगे। ये भी ये है वो मेरी इमेज और ये देखिए मैंने ये ले ली। इसके बाद इसको अपने हिसाब से पतली सी लाइन में सिलेक्ट कर देंगे और इसको अपने चैनल में जहाँ भी हमें अच्छा लगे अपने हिसाब से जिस टाइप से हम सेट करना चाहें कर सकते हैं। ये लाइन आ जाएगी जिस टाइप से, मान लो आप देख सकते हैं काफी अच्छी लगेगी। आप उसको उसको कहीं भी
लाइन को सेट कर सकते हैं इसी हिसाब से। यहाँ पे सेट करना चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, थोड़ी अच्छी लगेगी। तो फिलहाल मैं इसको सिर्फ आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, मुझे ये बनाना नहीं है। सॉरी मैं इससे कर्सर से ही कट हो गया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेट हो चुकी है। तो थैंक्स ऑल फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी और भी चीज पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।